गाइस, अभी एक मेरे फेसबुक पे जो है कॉपीराइट क्लेम आ गया है। क्यों आया है, कैसे आया है, ये ज़रूर बताऊंगा। और मेरे लगभग 1.1 मिलियन व्यूज़ वाले वीडियो पे भी आ गया है। मैं रील्स बनाता था तो उसी पे आया है। और अभी अभी मैसेज आया तो मेरे तो मोनेटाइज हो चुका है पहले से। और जब भी मैं वीडियो डालता था तो मोनेटाइज का, वो क्या बोलते हैं, कॉपीराइट क्लेम का कोई मैसेज नहीं आता था। तो गाइस ये वाला वीडियो देखिए मेरा, 1.1 मिलियन है, इस पर भी कॉपीराइट आ चुका है। अगर ये कॉपीराइट नहीं आएगा तो न जाने कितने डॉलर आ चुके होते मेरे। और यार अब क्या करूँ, अब देख सकते हो जितने भी सब वॉल्यूम बंद है ना, सब पे कॉपीराइट आया है। नेक्स्ट बार हम ख्याल करेंगे, देखेंगे कि कौन सा म्यूजिक जो है कॉपीराइट वाला नहीं है, वो चेक करके ही वीडियो डालूंगा। अभी आप इधर भी देखिए, नीचे जितने भी वीडियो डले हैं मैंने पुराने के डाले हैं। यहाँ पर पहले मैंने कुछ डाला नहीं था, पहले मेरा मोनेटाइज नहीं था तो कोई मैसेज नहीं आता था कि आपका जो है ये कॉपीराइट आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं आता था। लेकिन अब जैसे ही मैंने मेरा मोनेटाइज चालू हुआ है तो सब धड़ाधड़ ऐसे देख सकते हो, वॉल्यूम बंद होने लगे, सब देख सकते हो आप सब। बताइए, हम लोग इतना मेहनत से बनाए, इतना सोचिए, अब आ गया लास्ट है, में आके अथवा हो गया। मेरे को सबसे ज़्यादा परेशानी तब हुई जब मेरा 1.1 मिलियन वाला वीडियो जो है उस पर भी कॉपीराइट आ गया। मुझे लगा ये कम से कम चलेगा तो डॉलर तो बढ़ेंगे ही, लेकिन नहीं हुआ। जो वो डॉलर बढ़ रहे थे अब वो कम हो गए। अब आगे वीडियो ध्यान से डालेंगे, तो आप भी अगर रील बनाते हैं तो ध्यान से रखिए और अपना जो भी कंटेंट डालिए वो चेक करके डालिए, क्योंकि नए नए में पता नहीं चलता है, हम डालते चले जाते हैं। ऐसे मैं भी क्या कर रहा था। अब जो मोनेटाइज आता है ना, तो जितना भी मैं म्यूजिक डालता हूँ, म्यूजिक अपलोड करने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे मैसेज आता है कि ये म्यूजिक जो है मोनेटाइज के लिए मोनेटाइज नहीं हो सकता। तो और उसी पे जैसे ही आता है मैं उसको वीडियो हटा देता हूँ, फिर दूसरा वीडियो म्यूजिक में चेंज करके लगाता हूँ। तब जिस पे नहीं आता है वो वीडियो म्यूजिक में लगा देता हूँ। तो थोड़ा ध्यान से कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपको रील बनाने का शौक़ है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसका म्यूजिक आप ले रहे हो उसको थोड़ा ध्यान से, और हो सके तो उसको थोड़ा सा वो कीजिए कि उसका नाम भी डालिए जिसका म्यूजिक है, हो सकता है वो कॉपीराइट ना दे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, इंसान इतना मेहनत से बना रहा था, कर रहा है, कैसे कैसे इतने परेशानी से इतना प्रॉब्लम तो करके बना रहा था, ऐसे लास्ट पॉइंट पे उसको वो कर दो तो नहीं अच्छा लगता ना। हाँ, आज हम लोग को बहुत दुख है, हम लोग बहुत परेशान हैं आज। तो चलिए गाइस, बस इतना ही बताना था कि आप भी जब भी रील बनाएं थोड़ा ध्यान से, म्यूजिक जब भी डालें तो ध्यान से, और हो सके तो अगर आप तो उसका नाम भी उसके म्यूजिक का नाम उसका नाम डाल देते हैं तो हो सकता है वो कॉपीराइट ना दे, कॉपीराइट क्लेम ना करें। तो फिर यही ध्यान सावधानी रखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप ध्यान रखिए। अब तक तो मेरा न जाने कितना डॉलर आ गया होता, लेकिन कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसी वीडियो से, मैं उसी 1.1 मिलियन वाले वीडियो से मुझे बहुत फॉलोअर आ गए थे, लगभग 2-2.5 हज़ार फॉलोअर आ गए थे। तो कोई टेंशन नहीं है, बस वही हुआ कि अभी जाके वो मैसेज आया है कि आपका ये वीडियो जो है मोनेटाइज नहीं हो सकता, मतलब कि आपके इस वीडियो पे पैसा जो है ऑनर को जाएगा जिसका म्यूजिक है। मतलब वीडियो तो मेरा है और बाकी म्यूजिक की वजह से जो ऐसा है, किसी और को मिलेगा ना, हम लोग को मिलेगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से ट्राई करेंगे। तो आई होप गाइस आपने ये वीडियो देखा, पसंद आया होगा, आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो आप जरूर ध्यान रखिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक कॉपीराइट नहीं आया है, तो भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि कॉपीराइट ना आए। मैं थोड़ा इस पर सावधानी रखता हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।